बैक टू मैथ जाने गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक थ्योरी है, मतलब सच नहीं है वो, और वो थ्योरी है और वो मैंने अपने आप से बनाई है। तो आप सुनते रहना, इस वीडियो में बने रहना, तब तक क्या आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थ्योरी को स्टार्ट करते हैं अभी। तो इस थ्योरी में ना, मतलब मैं आपको जो है आपको दो आंसर दूंगा, क्या एलियंस हैं और क्या हमारे पास्ट में टाइम मशीन बन चुकी है कि नहीं। तो पहले शुरू करते हैं कि एलियंस हैं। तो पहले आप एलियंस के एक फ़ोटो इमेजिन करिए अपने माइंड में। नॉवेल आपके दिमाग में क्या आया? एक बड़ा सा सिर, ग्रीन कलर, बड़ी बड़ी आँखें, है ना। तो अभी आप जो है अर्ली मैन का, जो पहले ह्यूमंस से उनका स्कल देखिएगा, वो बहुत छोटा है आज के स्कल के मुकाबले। तो वो जो स्कल है तो वो ग्रोथ करता है जैसे जैसे हमारा माइंड ग्रोथ करता है। तो अगर स्कल ग्रोथ करेगा तो हमारी आइज भी ग्रोथ ही करेगी ना। तो अभी जब जैसे वो पहले से लेके अब तक स्कल ग्रोथ कर रहा है, तो आगे भी होएगा ही हमारा स्कल ग्रोथ। तो अब देखिए फ्यूचर में हमारा स्कल बड़ा होएगा, ठीक है। और अगर स्कल बड़ा होएगा, आंखें तो बड़ी होनी है, तो वो भी बड़ी हो जाएंगी। और कुछ कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो चले जाएंगे, जो गायब हो जाएंगे, जैसे कि हमारी टेल गायब होगी पहले से। अब जैसे अभी हमारी कुछ फिंगर्स भी गायब हो जाएंगी, तीन फिंगर्स, दो फिंगर गायब हो जाएंगे, तो वो तीन फिंगर हो जाएंगे। और कुछ सेल्स चेंज हो जाएंगे जिससे हमारा खून का कलर ग्रीन या है, फिर कुछ और हो सकता है। सो नाउ जितना मैंने भी आपको बताया ना, वो आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, क्या हुआ आपको लग रहा है ना कि हम ही एलियन हैं। तो अभी हम ही एलियन हैं, हम ही अपने पास्ट के एलियन हैं, ऐसी मेरी थ्योरीज को सच मत लेके बैठ जाना। और बात आई टाइम मशीन की, तो जो आप UFOs देखते हो एलियंस के साथ, वो क्या पता वो पास्ट का फ्यूचर का टाइम मशीन हो और वो हम जो है अपनी धरती पे वापस से उस टाइम में आ रहे हों, तो ये भी हो सकता है। अच्छा चलो, आप जाते जाते एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जितने लोग हो सकते हैं उनमें शेयर कर देना, और इस बात को सच मत लेके बैठना। मैं ये एक तरफ से थ्योरी है, ठीक है, ओके।